के मोदी जी और भारत सरकार ने जो गंगा ऑपरेशन चालू किया है उसके तहत जितने भी बच्चे आए हैं हमारे सही सलामत वापस आ चुके हैं लगभग सारे, और जो बचे हुए हमें पूरा भरोसा है सरकार पे कि वो भी जल्द ही जल्द लौट आएंगे। और मैं प्रफुल्ल पटेल सर का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमसे पर्सनली बातचीत करी थी और हमसे सब कुछ जाना था कि हम कैसे आए कब आए, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे मामले में। तो मैं प्रशासक जी का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। और सजेशन में तो वही मैं कहना चाहूंगी कि अभी जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको बस एक ही चीज की चिंता है कि अभी आगे उन क्लासेस का क्या होगा। तो बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम सब भी स्टूडेंट्स की ओर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें यहाँ इंडिया में कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, और हमें पूरा भरोसा है भारत सरकार पर कि वो हमारे एडमिशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। क्योंकि तो जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है उन्होंने बहुत मदद की है हम सभी भारतीयों की, और सिर्फ भारत सरकार ही ऐसी थी जो अपने सभी बच्चों को इवैक्यूएट कर पाई है। अभी तक यूक्रेन में जो भी दूसरे फॉरेन नेशनल्स हैं उनका कोई इवैक्यूएशन हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट इंडिया, देर इज नो अदर कंट्री जिन्होंने इवैक्यूएशन किया हो। सो इसीलिए कहते हैं कि भारत देश सबसे महान है और भारत सरकार का इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक्रेडिशन हम लोग इंडिया में तो एक्रेडिशन देते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, किंतु हमें इंटरनेशनली अगर इसको चेंज करना है, 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूक्रेन में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, और 2 ईयर्स कंप्लीट करना है इंडिया में, तो वो एक जो प्रोसीजर होती है कि एक्रेडिशन किस तरह है उस यूनिवर्सिटी का या एफिलेशन किस तरह है, तो ये उसके बारे में एक पर्टिकुलर संस्था यूएस में और इंडिया में दोनों जगह काम कर रही है। मुझे अभी नाम याद नहीं आया है लेकिन मैं खुद भी स्टडी कर लूंगा, लेकिन आपके पास भी इस बारे में कोई डिटेल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम कम्युनिकेशन इस बारे में, डॉक्टर मनसुख मांडविया है वो हेल्थ मिनिस्टर है एंड ही इज द फाइनल अथॉरिटी, तो उनके साथ मैं और प्रफुल्ल भाई दोनों बात करेंगे, और अगर ये संभव हो पाता है, अगर एफिलेशन एक्रेडिशन में कुछ पॉसिबिलिटीज दिखती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो एटलीस्ट लास्ट ईयर है वो लास्ट ईयर वालों को यहाँ इंडिया में रिकवर करके कैसे कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो जितने भी बच्चे हैं चाहे फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट वहां क्यों ना किया हो लेकिन उसको भी यहाँ रीइंस्टीट्यूट करके कंप्लीट करवा सके तो उसका कंप्लीट प्रयास है। तो मेरा नंबर मैंने आप सभी को दिया है। For our degree. So, I would like to request government that at least they should allow us to give our FMJ exam, which will be in December, most probably. So, if they will allow us to give our FMJ exam, so we can give that exam, and after passing that exam, they can provide us degree. So, at least they must allow us to give exam FMJ. तो